हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे कुवैत में आके कम से कम 3 महीने हो चुके हैं और इस 3 महीने में मेरे दोस्त यार जो दूर दूर के जो भी जान पहचान के लोग अगर मुझे कांटेक्ट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा यही सवाल पूछते हैं, भाई वहां पे सैलरी कितना है और तू वहां पे कितना कमाता है और तेरी लाइफ कैसी है, वहां पे अच्छी है जो यहां पे इंडिया में कर रहा था उससे बेहतर है कि नहीं है। तो बार बार वो यही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, हाँ भाई मस्त में चल रही है जिंदगी अपनी, अच्छी कट रही है, इनसे बेहतर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इंडिया से तो बेहतर बिल्कुल नहीं है। जो इंडिया में हमें लाइफ जीने को मिलता है वो यहाँ गल्फ कंट्री में नहीं मिलता है। यहाँ पे जो है वो आज़ादी नहीं है मेरे भाई। जो इंडिया में हम अपनी मर्जी के मन मुताबिक कहीं भी आते जाते हैं वो यहाँ पर नहीं है दोस्त। हमें जो है एकदम कैद में रहना पड़ता है, ऐसा महसूस होता है। भले ही हम यहाँ पे इस समय गाड़ी में बैठे हैं और मैडम कहीं भी है, चाहे तो घूम सकते हैं इधर उधर, मगर वो चीज़ नहीं जो हमें इंडिया में मिलता है ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और रह गई पैसे की बात, तो जिस हिसाब से हमें यहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता है, जितना ड्यूटी करना पड़ता है इनके हाउस ड्राइवर में यहाँ पे, उतना अगर हम इंडिया में अगर मेहनत करें तो हो सकता है इससे अच्छा बेनिफिट साबित हो सकता है। लेकिन अभी सवाल इसमें ये आता है कि मान के चलो इंडिया में करें तो क्या करें। दोस्तों करना कुछ नहीं है, जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, जैसे कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं ना, बस उसी को थोड़ा सा माइंड लगाना है। ये है कि हम जो 4 महीने में 5 महीने पे घर जाते हैं उसको बंद करना है बस, और हमें सिर्फ साल भर का टारगेट रखना है। साल भर का टारगेट जब रखोगे ना तो ये बेनिफिट आपको 100% नजर आएगा दोस्त। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं मालूम है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं मुंबई में वेटर का काम करता था होटल में, और बोले तो बहुत अच्छी कमाई होती थी, सैलरी लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये मिलता था, और प्लस मैं वेटर का काम करता था तो मुझे टिप्स भी मिलता था पर डे का, जो मेरा 250 पर डे होता था, और संडे और फ्राइडे को मेरा जो है 500 प्लस चला जाता था टिप्स, ये हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन उसमें वजह क्या थी कि मैं 3 महीना 4 महीना काम कर करके मैं गाँव भाग जाता था। जब गाँव भाग के जाता था तो मेरे खर्चे ओवर थे मेरे भाई, खर्चे इतने ज्यादा थे ना कि अगर कहीं मुझे 100 रुपया खर्चा करना चाहिए तो मैं 200-300 करता था। बस इसकी वजह यही है जो पैसे वहां पे नहीं दिखते हैं, तो बस यहाँ पे आने के बाद में उस चीज का पछतावा होता है। तो बस हमें करना यही है ना कि हमें जो है साल भर का टारगेट लेके चलना है। कहीं भी कमाओ, दिल्ली मुंबई कहीं भी आप रहो, तो साल भर का टारगेट लेके चलोगे। जब साल भर का टारगेट लेके चलोगे ना तो क्या होगा मालूम है, वो तुम्हारा जो है कुछ जो खर्चे होते थे वो बच जाएंगे और बहुत पैसे बचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं बचा सकते, जो यहाँ पे हम लोग कमा रहे ना, बस थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, बट बचा सकते हो। ड्राइवर में तो कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा है, बट यार मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे एक चीज की महसूस होती है, एकदम बोले तो कैद में, ऐसा मुझे लगता है ना कि मैं किसी का कैद हूं, जो वो बोले वो मैं करता हूं। अभी वो बोलेगी गाड़ी स्टार्ट कर तो गाड़ी स्टार्ट करता हूं, वो अभी गई ना तो गाड़ी बंद करके धूप में बैठा हूं, अभी वो फोन करेगी गाड़ी चालू कर, एसी चालू कर, चालू करना पड़ेगा, फिर घर पे जाने के बाद में बोलेगी प्याज लेके आ जा, लेके आना पड़ेगा, बोलेगी टमाटर लेके आ जा, टमाटर लेना पड़ेगा, कुछ भी जो वो बोले करना है भाई करना है। तो ये चीज मुझे बर्दाश्त नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है, बट इंडिया में तो हम गलती करके ही आए हैं, यहाँ पे तो भी झेलना पड़ेगा। तो बस यही है कि दोस्त जो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे मेरे दोस्त यार, क्या जो भी जान पहचान के लोग थे, अगर वो मेरे को फेसबुक पे या कहीं देखते हैं ना तो मेरे से बार बार यही पूछते, तो मैं लोगों को बस यही बताना चाहूंगा कि भाई जो कुछ कर रहे हो इंडिया में बस थोड़ा सा सोच समझ के करो, जो भी खर्चा कर रहे हो उसको सोच समझ के करो, जो भी काम कर रहे हो एक टारगेट बनाओ कि मेरा वो साल भर का, साल भर के बाद में जब जाओगे ना तो वो बेनिफिट तुमको वहां पे भी नजर आएगा। बस यही था।